कल हम निकल जाएंगे, जितने भी बंदे कोलकाता वाले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां हम करने वाले मीटअप। अभी मेरे दिमाग में क्या रहा ना, व्लॉग का टाइम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि जितना लंबा व्लॉग साथ में जो बंदे थे उनको घर पे छोड़ के आया फिर आया ना। साथ में कौन आया स्पेशल इस राइड के लिए, सारी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि वहां पर हायाबूसा लेकर आ रहे हैं, मीटअप करेंगे, बहुत सारे अपने भाई लोग मिलेंगे, फैमिली मिलेंगे, बाइक। तो भाई आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले से बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। दुकाटी के लिए हमने जो एग्जॉस्ट मंगाया ना, दिल पे पत्थर रख के पैसा भैया पैसा, उसी में सारे पैसे खत्म हो गए। दिखा तो रहा हूँ और कैसे दिखाऊं, मैं तो लोग का ले भाई ये ले, मेरे हाथ से कॉफी पी ले भाई, आप पी ले। देखा ना आजकल भाई बहुत बंदे बिना राइडिंग गियर के बाइक चला रहे हैं, सुपर बाइक चला रहे हैं। दुनिया का अगर घटिया ड्राइवर कोई है ना, दुनिया घटिया, पहले तो सम्मेलन के पीछे बैठा था। हमने 16 तारीख का सोचा हुआ कि 16 तारीख का डुकाटी के शोरूम जो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, वहाँ मीटअप करेंगे। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। ओए कोको कोको, ओए इतनी नींद आती है, इसका ध्यान रसोई की तरफ ही है, खाना मिलेगा मेरे को, आवाज तो आ रही है, कुछ तो बन रहा है। लो जी आज फाइनल डे है तैयारी का, कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग 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 राइड पे। ये बैग मैं लेकर जा रही हूँ, न्यू बैग, इसको थोड़ा यूज़ करके देखूंगा, दिक्कत परेशानी तो नहीं कर रहा। और इसके साथ क्या लेकर जा रहा हूँ वो दिखाता हूँ, सबसे मेन चीज़ जो इस पूरे राइड पे हमारे साथ रहेगी। और इसके साथ जाएंगे हमारे छोटे दोस्त जो कि यहाँ हेलमेट में बैठे हैं, पूरी राइड पे ये हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। हालांकि इनका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर है ना, ये वाइट से जब तक वापस आएंगे मेरे ख्याल से ब्लैक कलर के हो जाएंगे, लेकिन मेरा मन है इनको साथ लेकर जाऊँ। तो आज इनकी भी ट्रेनिंग है, इसको साथ लेकर जाऊंगा मैं करोल बाग तक, देखता हूँ सेट बैठता नहीं बैठता। और सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है, मैंने ना रात को अपने ये शूज़ धो दिए थे, अभी देखो एकदम नए जैसे चमचमा रहे हैं ना, एकदम बढ़िया हो गए हैं, क्योंकि यही अपने को राइड पे पहन के जाने हैं। ये देखो साधना, ये तीन चाय किस किस की है, मेरी, साहब और संतोष की ना, मेरा था ही नहीं, ये इसकी खुद की थी, इसने उठा के लिया। वो भाई तेरी है, बनवाई हमने, मैं पी के आया, मैंने तेरे को नीचे बोला नहीं कि आजा चाय पी के चलेंगे, रुपए मेरे पास वीडियो में भाई, ये देख रहे भाई साहब, ये देख लो चाय वेस्ट कर रहा है ये, क्यों चिल्ला रहा है ये, क्या हुआ है, कोई आया बार एम ही शोर मचा रहा है, ये यही है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं है भाई, ये तो उसकी है, हाँ भूसा की लग रही है पीछे वाली भाई, ये नहीं है, ये थोड़ी है हमारी भाई, एक सीट गायब हो गई है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक ना 1200 की सीट थी जो इनकी वाली बाइक है ना साहिबा वाली, वो बेसिकली हम मासूम से लेकर आए थे, वो लो वाली सीट थी, वो हमने घर पे कहीं रख दी है, अब वो मासूम को वापसी चाहिए, मासूम को भी बाइक पे लगानी है, लेकिन वो सीट हमें मिल नहीं रही है, कहाँ रख दी है, सामान इतना ज़्यादा हो गया ना याद ही नहीं रहता कहाँ कौन सा सामान रख दिया, मिल जाए तो बढ़िया। अभी सुबह सुबह उसका फोन है, हम उसी के पास जा रहे हैं, और हम जा क्या क्या करवाने के लिए, एक तो अपनी 1250 की वायरिंग चेक करवाने जा रहे हैं, बीच में कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बैटरी लो हो जाए, बंद हो जाए, रास्ते में धक्का लगाना पड़े, और उसको धक्का लगाना आसान नहीं है भाई, वो बड़े वाला ट्रक है। और साथ में जा रहे हैं अपनी हायाबूसा में कुछ कार्बन के पार्ट लगवाने के लिए, क्योंकि वो भी जा रहे हैं हमारे साथ लॉन्ग राइड पर। लॉन्ग राइड पर कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई कोलकाता, कल हम निकल जाएंगे, जितने भी बंदे कोलकाता वाले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ हम करने वाले मीटअप, क्योंकि वहाँ से हम ले रहे हैं अपनी नई डुकाटी की डिलीवरी। फाइनली हमारे घर में लाल रंग की डुकाटी आ रही है, कब से मैं सोचा था डुकाटी होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, मैं गर्म होने की वैसे नहीं ले रहा था, लेकिन फाइनली मैंने सोचा सर्दियाँ सर्दियाँ चला लेंगे, गर्मी कोई और बाइक चला लेंगे, बाइकें तो इतनी सारी, लेकिन एक बाइक लेकर तो आए, तो लेने जा रहे हैं। ये टायर के नीचे कुछ था, पन्ना था, इसलिए वो ना बाइक आगे नहीं गई, वही स्किड कर गई, घूम गई, जो लिखा हुआ है देख वहीं पर आके देख गेयर डला, वैसे से टायर घूमा, पता नहीं वीडियो में आया नहीं आया, आया आया, ठीक है निकलते हैं, चलो टाइम से भैया जी। तो आज के मोटर व्लॉग की शुरुआत हम यहाँ संतोष के घर से करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो मेमोरी कार्ड है ना भाई, मेरे को पता नहीं, मैंने रात को ना वीडियो एडिट के लिए निकाला था और कहाँ रख दिया, घर पे ढूंढ ढूंढ के आया, मिला ही नहीं, अब इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, फिर मैंने संतोष को बोला तेरे पास है, संतोष कह रहा है मेरे पास एक मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, अब उसको लेने के लिए भेजा, वो मेमोरी कार्ड इसमें डालूंगा तब मोटर व्लॉग चालू होगा। आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, पहले सीट गायब हो गई, फिर मेमोरी कार्ड गायब हो गया, कभी कुछ हो जाता है, बीच में ना एक आधा दिन ऐसा आता है जिस दिन आप बहुत परेशान होते हो, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ये होता रहता है भाई, लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, उथल पुथल मची रहती है। आ जाओ भाई आ जाओ, इस गोप्रो से मेमोरी कार्ड निकाल के इस गोप्रो में डाला, फॉर्मेट कर दूं ना, फॉर्मेट होगा साइड, और ये गोप्रो भी साथ ही लेकर जा रहे हैं, गोप्रो चाहिए खन्ना को, तो उसने पहले संतोष को बोल दिया था अभी खन्ना को देंगे। चलो जी अब जाके गोप्रो ऑन हुआ, अब निकल रहे हैं
हमने बोला था 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और टाइम कितना हो रहा है भाई, 12:45 बजे यहाँ से निकल रहे हो जाता है यार लेट, ना ना चाहते हुए भी अपने आप ही लेट हो जाता है। रात है ट्यूसडे, बस अपने को जाम ना मिले, बाकी सब बढ़िया है। इस हिसाब से मेरे को अपने एरिया में गाड़ियां दिख रही है ना बाहर निकलते हुए, ओ भाई साहब स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे, आवाज ही लड़खड़ा जाती है। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है खोर आ गए स्पीड ब्रेकर, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है बाहर हाईवे पे जाम मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। हम एम्बियंस नहीं जाएंगे, कापा सेड़ा से होके निकल जाएंगे, तब भी थोड़ा मिलेगा, शिव मूर्ति के सामने मिलेगा। ओ भैया कितना सारा सामान लेके जा रहे हो भाई, आगे भी है लूना, ये लूना पैंडल मारो स्टार्ट, देखो भर के सरस सुरख के कट्टे लग रहे हैं, कुछ तो लग रहा है। अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। मैं जो भी व्लॉग डालता हूँ ना, कोई 35 मिनट 40 मिनट मतलब 30 मिनट से ऊपर कहीं होता है, अभी मेरे दिमाग में क्या रहा ना, व्लॉग का टाइम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि जितना लंबा व्लॉग उतना बनाने में मेहनत, उतनी एडिटिंग में मेहनत। तो मैं सोच रहा हूँ हर व्लॉग को ना 20 मिनट के अंदर अंदर रखते हैं, 15 मिनट 16 मिनट 18 मिनट 19 मिनट। आप लोग क्या कहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि राइड कल से शुरू होने वाली है। थोड़े छोटे व्लॉग रखेंगे जल्दी एडिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लंबे व्लॉग देखने का मन है तो लंबे रखेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि 20 मिनट के अंदर अंदर रखे, 30 मिनट के अंदर अंदर, 40 मिनट के अंदर अंदर, या फिर आर पार ही कर दे 1 घंटे से ऊपर, तो प्लीज़ बताना भाई। हर जगह स्कूल के बच्चे, छुट्टी हो चुकी है, गर्ल्स स्कूल की छुट्टी हुई है, सारी लड़कियाँ हैं ना, कोई आसपास होगा कोई स्कूल। अंदर से ना बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, आज वाट लगने वाली है, तगड़ा जाम भाई, बुरा हाल बुरा हाल। यहीं पर देख लो ऐसा हाल है, वो सामने से एक प्लेन लैंड हो रहा है, उसकी छोटी छोटी लाइटें दिखाई दे रही है। और अभी आमिर का फोन है, आमिर भी लैंड कर गया, पहुंच गया आमिर भी दिल्ली, सामान उसके बाद ज्यादा हेलमेट वेलमेट सब लेकर आया। तो मैंने उसको बोला पहले तू घर जा सामान रख, उसके बाद हमें फोन करियो, देखते फिर अगर करोल बाग में टाइम लगेगा उसको करोल बाग ही बुला लेंगे, क्योंकि करोल बाग से हमें एक और बाइक उठानी है जो आमिर चलाने वाला है। बहुत सारे सस्पेंसेस हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं, होप सो आपको ही मजे आ रहे होंगे। शिव मूर्ति भी नहीं पहुंचे, मिल गया तगड़ा जाम और बाइक ने मारनी शुरू कर दी हीट, जूता हो चुका है एकदम गर्म, राइट साइड से तगड़ी हीट मारती है, लेफ्ट से इतनी नहीं मारती, राइट साइड से हर बाइक जितनी भी सुपर बाइक है ना, राइट साइड से ऐसी हीट मारती है। वो देखो दूसरा प्लेन भी आ गया, इसी जाम जाम में हम 10 प्लेन लैंड होते हुए देख लेते हैं। वो आ रहा, आगे एक राइडर भी जा रहा है, राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, पीछे एक बैग टंगा हुआ है, GS 310 है पीछे से, तो GS 310 ही लग रही है, हाँ 310 ही है, मैंने बहुत चलाई है भाई ये बाइक। अभी ऐसा है ना, देखते पहचान लेते हैं हम, साइड से दिखे एक लुक भी दिखे ना बाइक की हम पहचान लेते कौन सी बाइक है। हाँ GS 310 ही है, अब नजर आई। ओ संतोष उसके पीछे पीछे है, वहाँ से ज़्यादा जगह है क्या, जगह तो कहीं से भी नहीं है मेरे भाई। ओ मेरे भाई जाने दो भाई, गर्मी बहुत है भाई। अभी धीरे धीरे ना दिल्ली में ठंड आ रही है, मतलब इतनी भी ठंड नहीं आ गई, मौसम हल्का हल्का ठंडा रहता है, वो पहले जैसी गर्मी नहीं रहती, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। वो देख रहे हो इंडियन फ्लैग हमारा एकदम ऐसे हो रहा है, होता नहीं कि बिल्कुल हवा है ही नहीं, लेकिन ठीक है गर्मी नहीं लग रही उतनी जितनी पहले लगती थी ना, एकदम पसीने पसीने हो जाती थी बॉडी, अभी पसीने वसीने नहीं आ रहे, और थोड़े टाइम में ना मौसम ठंडा हो जाएगा। मेरे को लग रहा है जब तक हम दुकाटी लेकर आएंगे ना, अच्छा खासा मौसम ठंडा हो जाएगा दिल्ली में। भाई साहब गाड़ी के पीछे पिकाचू है, बेचारे की जान निकाली हुई, लेकिन अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना दबा हुआ बैठा है, सुंदर लग रहा है सुंदर। लो भाई पहुंच गए फाइनली हम, बस इसका एसी चालू हो आज, आगे जगह ही नहीं है, यहीं छोड़ देते हैं भाई के। कैसा मेरे भाई, ठीक है, स्वागत हमारा स्वागत ऐसे कैसा है, ठीक है, अरे अरे बढ़िया, और सब ठीक है, क्या हाल भाई, समीरन के बिना मन लग रहा तेरा, नहीं लग रहा ना। कैसे भाई, ठीक है सब बढ़िया, हाँ भाई ठीक, हमारे लिए इसमें 2 घंटे लगा देंगे। नहीं नहीं भाई जल्दी आज सारे काम जल्दी करने, हमें पैकिंग करनी है, नॉर्मल है हम करेंगे सेफ्टी से काम, क्योंकि गाड़ी जा रही है लॉन्ग राइड पे। पहले उसने बहाना मार दिया, 2 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, 2 घंटे नहीं है, 2 घंटे वाला बहाना नहीं है, अरे सारी की सारी वायरिंग वाला, 3 घंटे हाईवे पे चाहिए लाइट, समझ गया। ये देखो ये सारी वायरिंग खुली हुई है ना, ये सारी की सारी सेट करनी है, बैटरी सारे कनेक्शन चेक करने हैं, किसी की वजह से तो बैटरी लो हो रही है, अर्थिंग हो रही है, क्या हो रहा है अपने को नहीं पता,
और इसके अंदर कुछ कार्बन के पार्ट लगाने हैं। और यहाँ देखो अपने कौन मिला, कैसे हो? बस बढ़िया। दोबारा से हाथ मिलाते हैं कैमरे के लिए। ये देखो हम गुजरात में आए तो ये यहाँ आ गए हैं। कब बुला रहे हो गुजरात वापसी? IBW। अगर नहीं पहचाना तो इनको, वैसे तो पहचान लियो, अगर नहीं पहचान तो हमने गुजरात की राइड साथ में करती जब भूसा की डिलीवरी ली थी। कहाँ कहाँ गए थे? पुष्पा, हमारा पुष्पा भाई है। अभी IBW आ रहे हो? हाँ, फिर वहां से सीधा गुजरात? पक्की बात है? चलो बढ़िया। मैं अंदर आया ना, मैंने एकदम से भाई को देखा ना, मैंने बोला यार मैं गुजरात आ गया हूँ या ये लोग यहाँ आ गए? एकदम से लगा सारी यादें ताज़ा हो गई ना। फिर मेरे को लगा हाँ ये किसी काम से आए, किसी शादी अटेंड करने आए। किसकी शादी है? दोस्त की शादी अटेंड करने आए, तो यहाँ पर भी कुछ सामान लेने आ गए थे। अपना राइड का प्लान बन रहा है गुजरात आ रहे हैं, पूरा गुजरात छाड़ने के लिए। और इस बार जो एक्सप्लोर करेंगे ना नेक्स्ट लेवल, लेकिन IBW के बाद आएंगे पक्का। अब हम क्या कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में हमने एक बाइक और उठानी है, वो बाइक नहीं बताएंगे कौन सी है, उसके अंदर ये वाली लाइट लगाएंगे। ये जो है ना बहा वाली, क्लियर वाटर वाली, इसी में रहने दे रहे हैं। बहा वाली उसमें लगा देंगे, बहा की सारी वायरिंग निकलवा रहे हैं, फालतू वायरिंग सारी बाहर निकलवा देंगे। और ये जो लाइट जलती रहती है ना बाइक बंद करने के बाद भी 30 सेकंड तक, इसको भी हम बंद करवा रहे हैं। तो सिस्टम सारा बंद इसके अंदर। हाँ, लॉन्ग राइड पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पहली एक बैटरी बोल चुकी है, दूसरी बोल जाएगी ना बसड़ हो जाएगी। भाई एक चीज़ और बता, इस बाइक की पावर कम कर सकते हैं क्या हम? कर सकते हैं। इसको कर दे 100 से ऊपर ना जाए, लॉक हो जाएगी। 100 पे लॉक कर दे इसको किसी तरह ना, 100 से ऊपर ना जाए, नहीं तो भाई ये नजर नहीं आता राइड में। पता नहीं कहाँ है भाई। ओए बताइए, राइड में नजर आता है ये? नजर कौन नहीं आता? ये भी नहीं आता। मैं तो रहता हूँ भाई, अभी मैं नहीं आता, रीजन है। तो भाई इसकी ना पावर लॉक करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर ही ना जाए, नहीं तो भाई ये 250 300 से ऊपर जाए तो उससे भी लगाए थे। ये कैसे हैरान होकर देख रहा है, ये भी और ये भी, दोनों खलीफे हैं एक से बड़े एक। देख बाइक यहीं छोड़ दिया, स्कूटी निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एक मिनट पहले नीचे उतर दो फिर बताता हूँ, पता चले फिसल नहीं गया। जाने दो गाड़ी, जाने दो। हम जा रहे हैं सेना लेने के लिए, इसको सेना लेना है हेलमेट पे लगाने के लिए ना, बात बात कैसे करेगा ये हमसे, तो सेना लेने जा रहे हैं। मेरे को नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं लेने वाले। मासूम को भी लेना है, इसको भी लेना है, राजू को भी लेना है, अपने सर को भी लेना है, सर लेना है। 4-5 बंदे हैं, तो उनके पास कोई स्कीम आई हुई है वो देखने जा रहे हैं। तुम और हाय, हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया, बोल ही नहीं रही तेरी, बाढ़ में जाओ हटो। काजल, काजल देख रहा है उसके, काजल कितना मोटा मोटा लगा रखा है, मोटा मोटा लगा रखा है, आराम से बैठी हुई है बोरी कर। बाय 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 बाय, आई साहब जोर लगा के। नहीं हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, अरे नहीं हुई, ला उसको रास्ते में छोड़ दिया, अरे स्टार्ट ही नहीं हुई, बग गए, धक्का मारने वाले बग गए। ये रे भाई इंटरकॉम, और ये रे मेरे राजू भाई। राजू भाई कौन सा लेना है? सबको राम राम, आपको भी राम राम। जो आप दिला दो, जो आप दिला दो, कह रहे जो आप दिला दो वो ले लेंगे। ये देखो इसे, देख उस शक्ल, देखो इसकी, इसकी शक्ल क्या चेंज हो गई। ग्रुप में जो बोल रहे थे ना, मैं सुनाऊंगा अभी 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 बात करेंगे। ये देख रहे पूरी सेल प्रदेश की मार्केट है भाई, कोई भी बाइक मांगो सब मिलता है यहाँ पर। ये देखो R15 भी खड़ी है, KTM भी खड़ी है, अटरम बटरम शटरम सब खड़ा है। हमने शॉपिंग कर ली है, वो आगे सेना टंगे हुए हैं, ये रहे हमने ले लिया है। एक सेट साहिबा के लिए चाहिए था, साहिबा ने ले लिया। एक सेट सर के लिए चाहिए था, अपने डॉक्टर साहब है ना उनके लिए, उनके लिए भी ले लिया। बस हो गया शॉपिंग। राजू भाई अभी वहाँ पर अपने हेलमेट पे सेट करवा रहे, सीधा मासूम पे ही आ जाएंगे। भाई एक बात बता, कभी तूने हमारी बाइक में तो ग्लव्स पहन के काम करा नहीं है, है? अपनी खुद की बाइक है ना, ये देख लो, ये नई खरीदी, इसमें ग्लव्स पहन के काम कर रहा, देख रहे हो भाई साहब, इसे कहते हैं ना इंसाफी। कभी तूने देखा मीत इसको अपनी बाइक में करते हुए ऐसे काम? दुकाटी में काम करेगा तो ठीक है, ग्लव्स पहन के नहीं करेगा, मैं कराऊंगा ही नहीं, मेरे को भी ग्लव्स चाहिए। हाँ अपनी बाइक में देख भाई, साफ सफाई से खुद काम कर रहा ग्लव्स पहन के। मैं आया ना, मैं देख के हैरान, मतलब भाई मतलब इतनी ना इंसाफी, हमारी बाइक में ऐसी 4-5 बंदे लगाते हैं, कर दो, और भाई सब ग्लव्स पहन के प्रोफेशनल। अब मैं भी ऐसे करवाऊंगा भाई, मेरी भूसा में भी काम होगा ना, ग्लव्स पहन के करेगा जो भी बंदा करेगा। बढ़िया बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया। तो जी अपनी भूसा का ये वाला पार्ट खोल दिया, ये हम पूरा कार्बन करवा रहे हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला। मोटर व्लॉग में जो लुक आएगी ना नेक्स्ट लेवल आएगी। और ये देखो आमिर भी आ चुका है। ओए तेरी फ्लाइट तो 9 बजे लैंड हुई थी भाई, मार्केट चला जाओ, गाजर ले, 1.5 घंटा डिले थी। साथ में जो बंदे थे उनको घर पे छोड़ के आया, फिर आया। ओ साथ में कौन आया वो तो यही जाने, नहीं बताना वीडियो में। भाई साहब देखो भाग रहा है यहाँ, पर्सनल चीजें हैं। भाई साहब अकेला नहीं आया, साथ में अकेला 3-4 लेके आया, ये 3-4 नहीं साथ में कोई आया है। इसने मना करता वीडियो में नहीं बताना, इसलिए नहीं बता रहे। इसने ये बोला ये बता दो कि कोई आया है। इसने बोला इंटरकॉम चाहिए तेरे को। इसने बोला मैं क्या करूंगा इंटरकॉम, मेरे को तुमसे कनेक्ट तो होना नहीं होता। ये देखो वो तो इंटरकॉम लगा रखा है, कह रहा मेरे को जिससे कनेक्ट होना होता है उससे कनेक्ट, कनेक्ट फोन पे कर, तुमसे कनेक्ट होके मैं क्या करूंगा राइड पे, अपना टाइम वेस्ट करूंगा, समझ रहा है तू? हम उधर जा रहे लखनऊ की साइड ही जा रहे ना। हां भाई के वैसे भी लखनऊ मेरा कुछ नहीं है, और मेरा जम्मू है, कल कर चुको करा दे। ओ भाई लखनऊ वाला घर बता रहा है इसका। ओए 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 सारे रास्ते ऐसे नहीं खोल सकते थे, घर वाले देखते हैं वीडियो।
लाइट एकदम, वो वाला उठाइए पार्ट, एक बार उठा के दियो नीचे से ऑरेंज वाला, जल्द चेक करें कि दोनों का वेट कितना फर्क है। फर्क है भाई, वेट से ज्यादा खूबसूरत लगेगा। हाँ खूबसूरत लगेगा यहाँ पर लगा हुआ ना, अब लगाते फिर आपको दिखाते हैं। स्पेशल इस राइड के लिए सारी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि वहाँ पर हायाबूसा लेकर आ रहे हैं, मीटअप करेंगे, बहुत सारे अपने भाई लोग मिलेंगे, फैमिली मिलेंगे, बाइक जितनी सुंदर हो सकती है उतनी सुंदर दिखे, तभी तो मजा आएगा। लो भाई जी लो, तो भाई आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले से बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। मेरे को तो लग रहा है, अभी थोड़ा इस पर हाथ वात लगे, कपड़ा वपड़ा मारेंगे, ऑरेंज से बिल्कुल खत्म हो गया ना, कार्बन हो गया। अब साइड से लुक देखो, विंग से मैच कर रहा है, विंग कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, इसका चेसी भी हमने मंगा रखा है कार्बन, वो हमारा ना कस्टम में अटका हुआ है, चेसी मंगा रखा है, बहुत कुछ मंगा रखा है और भी कार्बन करने के लिए, लेकिन अब पता नहीं कब आएगा वो। कल राइड पर निकलना जो आया हुआ था वो हमने लगवा लिया है, सुंदर तो लग रही है। किससे मिल के आ रहे हो? मैं ना कहाँ से आ रहे, राजू से मिल के आ रही हूँ। ये बैग तो अच्छा लग रहा है, मैं ले जाऊँ उतार के दो। इसमें बैग में कुछ लाए हो मेरे लिए? ला, मैं ऐसी बैग मांग रहा था, बैग में तो अपने लिए गिफ्ट आया। क्या लाई हो? ओ भाई साहब, ये तुमने गलत जगह दे दी, ये देख रहे हो इतने सारे भूखे जो आसपास देख रहे हैं। ओ भाई सही में देख रहा है, हाँ ऐसा लग रहा था, आँख मार रही है, इधर से देख ऐसे, इधर से देख ऐसे। मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको वो तो ये जो टाई बेल्ट है ना, अगर हमारी बाइक में लगती है, लगती है दो, इसमें अभी इतनी सी वायर में लग गई है 100। ये देखो, ये देखो यहाँ से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी ये देखो आगे आगे बनती जा रही है, आगे भी है, अंदर भी है। इसके अंदर तो, इसके अंदर कम से कम 250, इसके अंदर 100 यहाँ पर है। ये शाने वाली हसी है, तो पता नहीं कौन सी लाइट लगा, खोल के सीट खोल के कितनी टाइप है। हमारे बाइक में दो। तो भाई नई राइड पे जाने के लिए नया हमने मोबाइल खरीद लिया है, अभी खोल के दिखाता हूँ। कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा, कहाँ ले जाएंगे? संतोष हैरान होके देख रहा है, कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा? अबे ये मोबाइल थोड़ी है, तू तो कहता तू मोबाइल मेरे को गिफ्ट कर रहा है, ये तो मोबाइल माउंट है। नोकिया कौन सी आई थी लास्ट में? नोकिया कुछ चलाओ, आईफोन। मजाक कर रहा था भाई, मोबाइल की अपने को जरूरत नहीं, मोबाइल अपने पास है भाई। ये निकलेगा कैसे? ये है मोबाइल माउंट जो अपनी भूसा में लगाने वाले। बाय चांस ये लोग, ये सब के सब तेज भगाते, मैं स्लो राइडर हूँ, ये सब आगे पीछे हो जाए और मैं खो जाऊँ, तो मेरे पास गूगल मैप तो होना चाहिए लगाने के लिए। भाई तू तो वेज खा रहा था, मेरे को इसके अंदर पनीर के पीस दिख रहे हैं बड़े बड़े, पनीर ये चिकन जैसे दिख रहे हैं। अभी मैंने अपने लिए ये भी मंगा लिया सेना का, जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये उससे ऊपर वाला मॉडल है, ड्यूल सेट है, एक इसमें से मासूम ले रहा है, एक मैं ले रहा हूँ, और ये अपने को पड़ा करीबन 45,000 रुपए का। प्रिंट इसका कितना भाई? 54,000 रुपए का, थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट जान पे जान से मिल गया। और अपनी दुकाटी के लिए भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ी जा रही, गाड़ी के अंदर साथ में जाएगा। ईवोटेक के ये हो गए, ये टैंक ग्रिप हो गई है, रेडिएटर ग्रिल हो गई है, और क्या क्या होता है भाई? फोक स्लाइडर्स है, फोक स्लाइडर हो गए, महंगा आइटम तो होता है नहीं, महंगा आइटम। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या हमारी वहीं पड़ा हुआ गाड़ी में? एग्जॉस्ट लगवा रहे हो आप? अरे भाई दिखा ना का है। अपनी दुकाटी के लिए हमने जो एग्जॉस्ट मंगाया ना, दिल पे पत्थर रख के, भैया पैसा, उसी में सारे पैसे खत्म हो गए हैं, लोन लेना पड़ गया उस एग्जॉस्ट के लिए। कितने का एग्जॉस्ट है? एकरा मंगाया, मैं आपको बताया तो कितने का एग्जॉस्ट है वो ये बताएगा, कितने का भाई वो एग्जॉस्ट? भाई 7.5 लाख रुपए का विद मैप, और विदाउट मैप लगाओगे तो बाइक में दिक्कत आ जाती है। 80,000 रुपए का मैप है, तो लगा लो 7.5 लाख रुपए का अपने को एग्जॉस्ट पड़ गया। अभी यही कहीं पेटी पड़ी होगी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ी में डालेंगे, साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां से बाइक चला के लेनी 1500 किलोमीटर। तो जिलो ये कर दी हमने अनबॉक्सिंग। ओ भाई साहब, मोबाइल के डब्बे से भी ज्यादा मुश्किल है इसकी अनबॉक्सिंग, मोबाइल से तो सस्ता है। क्या खूबसूरत लग रहा है ब्लैक, बहुत बढ़िया भाई। और सबसे मेन चीज ना, मैं अब जो यूज करता हूँ 20S है, ये है 30K, इसमें एंटीना भी है, इसका एंटीना, ये एंटीने का फायदा क्या है? ज्यादा रेंज बढ़ जाती है इसकी, क्या ये ऐसी ठस्से के लिए दे रखा है? मेरे को लग रहा है ठस्से के लिए दे रखा है, अभी चेक करेंगे ना, थोड़ा लुक बनाने के लिए। लो भाई ये रहा अपनी बाइक का एग्जॉस्ट, चलो ठीक है, अभी इसी यार बाइक पे लगाते हुए दिखाएंगे, ये दिखा रहा हूँ कि बस अपनी बाइक के लिए एग्जॉस्ट आ गया, साथ में लेके जा रहे हैं। लो जी ये आ गए अपने ईवोटेक के फ्रेम स्लाइडर, इनको ऐसे पैक है तो खोलने का मन भी नहीं कर रहा मेरे को, पक्का वही है ना ये, कोलकाता में अनबॉक्स करेंगे। देखो ये आ गया, ये सारा सामान, ये एग्जॉस्ट पैक हो रहा है, ये सारी चीज़ें पैक हो रही है, रेडिएटर ग्रिल आ गई ईवोटेक की, और टैंक ग्रिप आ गई, टैंक पैड आ गया, साइड ग्रिप आ गई, ये स्क्रीन गार्ड आ गया स्क्रीन के लिए, और भी देख रहे हैं जो जो सामान ना सारा यहाँ रखेंगे, पेटीएम पैक करेंगे, इसकी गाड़ी में रखवाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो जो काम रह गया वो रह ही जाएगा। इसके अंदर हम मोबाइल माउंट भी लगा रहे हैं रंग बिरंगे वाला ना, ये देखो
जाने से एक दिन पहले इतने काम हो जाते हैं ना भाई साहब, सर में दर्द हो गया, कॉफी पी रहा हूँ। ये देखो अभी इसका हमने वो निकाला एयर फिल्टर, कितना गंदा है, दिखाइए भाई। एकदम काला पड़ा हुआ, लाल रंग का लगवाया था, साफ हो जाएगा ये, चेंज करवाऊँ? क्लीन हो जाएगा और अंदर से भी क्लीन कर देता हूँ। अंदर भी देखो कितना गंदा है भाई। लो भाई पूरी पेटी पैक हो रही है जाने के लिए, अपना साहिल भाई कर रहा है, एकदम पैक हो जाएगा ना फिर निकल जाएंगे। ये पकड़िए मेरे हाथ से भाई एक बारी, ये कॉफी नहीं ये बगल में एक हाथ में कॉफी थी ना, और साथ में अगर हम एक दोस्त चेंज कर रहे हैं तो हमें फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। सवाल होता है कि साहिल को तुम नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारा तो पुराना दोस्त है ये। दिखा तो रहा हूँ और कैसे दिखाऊं, मैं तो लोगों का ले भाई ये ले, ले मेरे हाथ से कॉफी पी ले भाई, हाँ पी ले भाई। लो भाई देखो यार, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में है, तो ये नहीं होता इसको नहीं दिखा रहे उसको नहीं दिखा रहे, चलता रहता है भाई। तुम्हारी भी दोस्ती यारी होती होगी, किसी ना किसी लड़ाई होती होगी, बाद में चलता रहता है, बट लोगों को हाँ होता रहता है भाई। पति पत्नी में नहीं लड़ाई होती, दोस्तों में नहीं होती, ये तो मेरे को भी नहीं पता। अब ये कह रहे तो हमने मान लिया, तुम कह रहे तो हमने, मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई, तुमने हमें लड़ते हुए देखा कब? हाँ दुश्मन हमारा एक ही है राजू भाई। मैंने क्या कर दिया? नहीं देख कुछ नहीं करा, तो जबरदस्ती के पता है ये वो लोग होते हैं जो वेले बैठे होते हैं ना, जिनको कुछ काम नहीं होता, अब क्या करे, कहाँ उंगल करे, जिनको पता नहीं कहाँ से किराया फिराया आ रहा होता, बैठ के किराया खा रहे होते, करने कुछ नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं बैठ के उंगल करनी है, तो कहीं तक तो हम अपने करने लग जाते हैं। मेरे को लग रहा है राजू भाई इनकी भी मोटी इनकम आती है, बैठे बैठे क्या करेंगे ये राजू, ये हाँ इनको भी किराया, यही है जो अपनी आईडी से कमेंट मारता है। ये देखो भाई, ये हमारा पुराने वाला एयर फिल्टर, पहले यहाँ से देखा था ना, यहाँ से देखा, देखो यहाँ भी छेद हो रखा है और यहाँ नहीं, ये है मेन छेद हो रखा है, तो ये हो गया खराब। और ये देखो भाई, अभी हम डाल रहे दूसरा केएनएन का नया एकदम कोरा, और अपनी बाइक के लिए भी रख लिया हमने ना सेम फिल्टर। चलो जी फाइनल हो चुका है, कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है, ये अपनी बाइक पे जा रहा है, वो 1250 पे जा रहा है, मैं भूसा पे जा रहा हूँ, ये पैदल जा रहा है, इसको अभी समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी लेके जाएगा। कह रहा हूँ सबसे महंगी साइकिल दूंगा कार्बन फाइबर की, उससे चल दो, दे दो, दे दो उस पे राइड। हेलो मेन चीज ये बता, मेन चीज ये बता, उस पे राइडिंग गियर पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना साइकिल पे? बस की है साइकिल पे भाई, उस पे भी राइडिंग गियर चाहिए ना, के भाग गया फिर। हाँ भाई सही बात है भाई, नीचे मिलेगा। लेकिन मैंने आजकल देखा लोग सुपर बाइक भी बिना राइडिंग गियर के चला रहे हैं, बहुत गलत करते हैं वैसे बंदे तो भाई। मेरे हिसाब से है ना सेफ्टी से मजाक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी अपने हाथ में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 200 वाला ग्लव डाल देते हैं ना, वैसी हरकतें नहीं करना। कोई चीज भी लो ना अच्छी क्वालिटी का लो, जो भाई लॉन्ग टाइम भी काम आए और गिरे तो भाई प्रॉपर काम भी करे, बस सेफ्टी होनी चाहिए। तू क्या कहता है भाई इस बारे में? सेफ्टी मस्ट, सेफ्टी गियर बगैर ना तो हम चलाते ना किसी को सलाह देते राइडिंग गियर चलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई। मैंने देखा ना आजकल भाई बहुत बंदे बिना राइडिंग गियर के बाइक के चला रहे हैं, सुपर बाइक चला रहे हैं, मतलब ठीक है लोकल आप चला रहे हो ना कि यहाँ 10-20 किलोमीटर वो समझ आती है कि यहाँ जाम में चला रहे हो भीड़ में चला रहे हो, लेकिन हाईवे पे चला रहे हो ना भाई राइडिंग गियर मस्ट है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना मेरे पूरे बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं था भाई, हड्डी टूटी थी वो भी पिलर से टकराने की वजह से, अगर वो ना होता तो मेरे को लगनी भी नहीं थी। राइडिंग गियर इतने ज्यादा जरूरी है ना, मेरा हेलमेट टकराया था भाई खंबे से, मेरे सर पे बड़ी तगड़ी लगनी थी, जूते हेलमेट ये सारे के सारे एकदम बढ़िया होने चाहिए। तो लोग बोलते ना कि हमने इतनी महंगी महंगी लाइनअप लगा दिया और पहनने के लिए राइडिंग, इतनी महंगी बाइकों का फायदा क्या जब राइडिंग, 50-50 लाख की बाइक ले लो उस पे चाइनीज हेडर लगा हुआ है भाई, इंडिया के अंदर M1000 के ऊपर है ना चाइनीज हेडर लगा हुआ है, तुम सोच सकते हो। अभी जैसे बात कर रहे थे आपके राइडिंग गियर के बारे में, राइडिंग गियर जितना भी ये राइडिंग गियर का है ना वो सिर्फ हेलमेट तक रह गया अब, कि माइक हो कैमरा हो और लोगों का जितना अटेंशन होता ना सिर्फ वो कैप्चर करना है, गियर होना हो। सही बात, हार्डली मैटर्स। आप कितने व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ना कैमरा पे माइक और कैमरा लगा के हेलमेट पे, उनके हाथ देखोगे ना जब बाइक चलाते हुए वो रील बना रहे होते, ग्लव्स नहीं होते, जैकेट नहीं होती, और रिस्क ले रहे हैं ना, वो रिस्क लेते हैं और वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, हाँ तुम लोग क्या मैसेज दे रहे हो ये उनको अभी समझ में नहीं आ रहा ना, ये चीज मैंने भुगती है। और मैं शुरुआत से बिना राइडिंग गियर के मेरी कोई वीडियो उठा के दिखा दो लॉन्ग राइड करी और मेरे पर राइडिंग गियर ना हो, शूज वूज सब कुछ। साहिल ने कितनी राइड करी है मेरे साथ भाई, हमने कोई बिना राइडिंग गियर के राइड करी है? कभी भी नहीं करी ना, इवन इसने नहीं करी, मैंने नहीं करी, अशोक पाजी कितने बंदों ने राइड करी, किसी ने भी नहीं करी, और ना मैं सजेस्ट करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा था इस बारी सबके पास अपने अपने राइडिंग गियर है भाई सबके पास, लेकिन इस बारी फिर भी मैंने बोला डाइनीजी वालों को कि भाई मेरी तरफ से सबके पास राइडिंग गियर जाएंगे, बाइक दो ना दो अपनी लेकिन राइडिंग गियर भाई सबके पास होने चाहिए। तुम दिलाओ, अगर किसी के पास नहीं ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही बात है कि नहीं है? लो भाई साहब जाते जाते
एक चीज और मासूम ने छुपा के रखी थी जो कि हमने निकलवा लिया है। बस इसका ये है कि ऑरेंज वाला लुक खत्म हो जाएगा, है ना? बट अच्छी एक बार हटाओ, एक बार लगा के देख लेते अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ भी लगाया ना कार्बन, तो वो ऑरेंज वाला यहाँ से लुक खत्म हो गया। और मैंने बैग टांगा होगा तो बैग वैसे इस पे तो लगेगा तो नहीं लगेगा, तो स्क्रैच तो नहीं आएगा इस पे। तो अभी फिलहाल हमने ना उस पार्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने बैग टांगा होगा ना तो उस पे भी स्क्रैच आएगा, कोई फायदा नहीं। और अभी अपने को क्लियर कट कराने का टाइम नहीं है, इसलिए अभी यही लगा के जा रहे हैं। लो जी लो निकल गए हैं, गोप्रो हैंग हो गया था। गोप्रो में ना कुछ दिक्कत आती रहती है भाई, इंडिकेटर कितना बढ़िया लग रहा है ना बस का एलईडी वाला, ये भी नया ट्रेंड ही आ गया, सारी गाड़ियों के एलईडी के इंडिकेटर, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ऑडी शॉडी। ओ भाई यहाँ तो जाम लग रहा है, जाम है या वैसे ही है? बाकी मोबाइल मैंने आगे लगा लिया, मोबाइल माउंट में देखने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, गिरेगा तो नहीं। और दूसरी चीज़ इसमें ना ऑटोमेटिक चार्जिंग भी है वायरलेस ना, लेकिन हो नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। आई थिंक पीछे जो कैमरा है ना वो हल्का सा उभरा हुआ, उसकी वजह से फ़ोन बिल्कुल नीचे लग नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो चार्जिंग हो नहीं रही है। कोई नहीं, घर जाके देखता हूँ एक बार आराम से ना। पता नहीं भाई क्या चक्कर है, पूरा गुड़गांव पैक है, पूरा गुड़गांव ए टू जेड दूर तक। ये देखो एयरपोर्ट वाली रोड आ गई, धोलाकुआं से यहाँ तक आके जाम जाम में बाइक चला रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, भूसा पे ना ज़्यादा थकावट नहीं होती, बस हीट मारती है जाम में ना, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना तो हीट भी कम लग रही है। अब ये गाड़ी का साइड मिरर देखो, शीशे की टुकड़ी नहीं है, इनको कैसे पता लगेगा साइड से बाइक आ रही है गाड़ी आ रही, कौन बताएगा? मैं क्या सोच रहा हूँ ना, दोनों बाइकों में अभी टैंक फुल करवा देते हैं। आ गया, हाँ संतोष भी आ गया, सुबह का ठंडा ही खत्म हो जाएगा। अरे नाली का ढक्कन के बाहर निकाल दिया, अच्छा नई मशीनें लगी हैं, ओके ओके फुल कर दो इसमें पावर, उसमें नॉर्मल नॉर्मल यहाँ से भी तो डलता है, कितनी बार डलवाया यार मैंने, डाल दो पहले पावर इसके अंदर, उसमें नॉर्मल। नॉर्मल वाला कस्टमर गरीब होता है क्या जो भगा देते हो आगे? वो भी तो पैसे देके डलवा रहा है ना, डाल दिया करो। आ गया मजा, आ गया मजा, आ गया दुनिया घटिया। पहले तो समीरन के पीछे बैठा था, ये क्या करता है? आज कह रहा दुनिया घटिया ड्राइवर ये है, पहले समीरन को कह रहा था। बोलने नहीं दे रहा तेरे को, कसम से अगर मम्मी याद नहीं दिला दी इसकी अभी मैंने। क्या है मैं पैदल जा रहा हूँ पीछे बैठ के, तो तूने तेज चलाई होगी ना खींच चलाई भाई आराम से बस वाले के पास। ये देखो जूता लग गया गाड़ी के साथ। ओ भाई साहब पीछे से चला जाता। अच्छा चलो हो गया ठीक है हो गया भाई। ये देखो बाइक सुंदर लग रही है, ये देखो और ये देखो, सुंदर चीज आज तक लाइफ में देखी है? सुंदर चीज नहीं, आज आ दिखाओ इधर दिखाओ। चलो भाई दोनों बाइक रेडी है राइड पे जाने के लिए, बस ये लाइट जो है ना ये लेट बंद होती है, मेरे को लग रहा था इसी की वजह से बैटरी डाउन हो रही है। हम सोच रहे थे इसका कनेक्शन हटा दे, लेकिन इसका हमने थोड़ा टाइम और कम करवा दिया बंद होने का। लो भाई लो, जोकर लेकर जा रहा है ये, कहाँ लेकर जा रहा है भाई? घसीट के एक्चुअली साहिबा भी राइड पर जा रही है, साहिबा कल राइड पर जा रही है राजस्थान की, पुष्कर मेला लगा हुआ है ना तो मेला वेला देखने जा रही है वकील के साथ। किसी को मीटअप करना होगा पुष्कर मीटअप तो ढूंढ लेना, पुष्कर मेले में नजर आएगी घूमते हुए। तो ये वकील सारे के जा रहे पुष्कर मेला देखने, हम जा रहे बाइक की डिलीवरी लेने, और ये लेकर जा रही है जोकर। इसकी भी टायर की हवा वगैरह चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं है, और चेन भाई साहब इसकी भी लूप नहीं कराई, और भाई भूसा की भी लूप कराना भूल गए ना आज हम। 13 कितनी है? 13 नहीं भरने के बाद चालू होगी, ये बताती ना इसमें कितना है। ओके ओके सिर्फ 13। लो जी तीनों पैनियर्स निकाल दिए हैं उसके अंदर, मैंने ठीक किसने बाहर निकाले किसने क्या किया है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें सारा अपना चार्जिंग का सामान लैपटॉप लूपटॉप आ जाएगा, इसमें मेरे कपड़े आ जाएंगे, एक में संतोष के आ जाएंगे, और ये भाई साहब गाड़ी पे जा रहे, पहले बाइक पे जाने का प्लान था इन्होंने, प्लान के लिए मैं गाड़ी पे जाऊंगा। आपके कीमती जूते के लिए जा रहा हूँ, मत जा, दो मैं जूते लेके नहीं जा रहा, अब बता मत जा गाड़ी में। इसको जा रहा है गाड़ी में, और वहां पर सेना का वो सेट हो रहा है इंटरकॉम, बस पैकिंग की तैयारी है,
बाकी मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाली एक जैकेट तो मैं पहन के जाऊंगा, ये वाली ग्रीन वाली, और एक जैकेट मैं साथ में लेकर जा रहा हूँ वहां से वापसी आते पहनूंगा जब दुकाटी की डिलीवरी हो जाएगी ना, एक जैकेट और एक पैंट ये मैं साथ में लेकर जा रहा हूँ। इतने सारे बंदों ने कमेंट किया कि भैया ये वाली जैकेट ले लो, तो हमने ये वाली जैकेट ले ली, ये वाली पैंट्स लेकर जा रहा हूँ, और इसको लेकर कैसे जाएंगे, गाड़ी में ही डाल लेंगे, दो थैले निकालें, थैले में इसमें नहीं लेकर जाऊँगा, इसमें लेकर जाऊँगा खराब हो जाएगी, तो इन थैलों वैलों में डाल लेंगे। चलो जी ये दो बैग जा रहे हैं, ये दो जैकेटें जा रही हैं, एक मीत की है एक आमिर की है, हेलमेट मेरा लेकर जा रहा है ये, और संतोष के नए जूते जो आज हमने खरीदे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओए यार ये 8 नंबर है भाई, टाइट है ये जूता। क्या भाई उसको टाइट कहते हैं, सही लग रहा है ना एकदम। ओए कोको देखो कहाँ से, देखो ओ जानवर के बीच में चिपके मच रहा है, उसका दोस्त आ गया ना ये। चलो बाय बाय सुबह 4 बजे। अभी अपने को पैकिंग करनी है पूरी, वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद हेलमेट का जो वो है ना इंटरकॉम वो चेंज करना है। मेरे को लग रहा है रात को सोते थे 2 बजेंगे, सुबह 4 बजे का टाइम रखा हुआ अपने निकलने का, क्योंकि कल अपने को कम से कम 700-800 किलोमीटर चलानी है किसी भी हालत में। अपने को कल 13 तारीख है, 14 तारीख को हमें कोलकाता पहुँचना ही पहुँचना, 16 तारीख को हम डिलीवरी ले रहे हैं, मतलब ऐसा डिसाइड करें, आगे पीछे प्लान हो के इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। और हमने 16 तारीख का सोचा हुआ कि 16 तारीख का डुकाटी के शोरूम जो वेस्ट बंगाल में है कोलकाता में है वहाँ मीटअप करेंगे 16 तारीख का सोचा हुआ है, करते हैं नहीं करते क्या करते हैं देखते हैं, बता देंगे अगली वीडियो बता देंगे, इंस्टाग्राम पे बता देंगे। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करें, मैंने बिल्कुल मजा आना, पूरी तैयारी हो चुकी है, सारे भाई लोग रेडी हैं, मजा आने वाला। कोको बस बेटा इस राइड पे ना मजा आने वाला धमाकेदार। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 दोस्तों, आप सबको ही बाय बाय। चलो चल चल अंदर, चलो अंदर बहुत हो गया तेरा, कोको चलो अंदर चलो, अरे चलना, एक तो ऐसा डीट है ना ये, चल आजा बेटी आजा, है हो नहीं, चलो बहुत खेल लिया, चलो 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 बाय बाय, सामान पैक करना बहुत सारा। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।